ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मित्रों, 6 जुलाई 2024 से शुरू होगी आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि। इस बार 9 नहीं बल्कि 10 दिन की रहेगी आषाढ़ नवरात्रि। घोड़े पर सवार होकर आएगी माँ दुर्गा। चार राशियों की चमक जाएगी किस्मत। माता दुर्गा का मिलेगा विशेष आशीर्वाद। अगले नवरात्रि तक बनेंगे करोड़पति योग। जी हाँ मित्रों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। माता रानी के आशीर्वाद से इस बार जो गुप्त नवरात्रि का समय है, यह चार राशि वाले लोगों के लिए काफी अच्छा और सौभाग्यशाली माना जा रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं गुप्त नवरात्रि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी, और साथ ही सभी भाग्यशाली राशियां और उनके उपाय के ऊपर भी चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। मित्रों, आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की आराधना में से एक मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार 6 जुलाई 2024 यानी कि शनिवार के दिन से ही आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, और इस बार नवरात्रि के 9 दिन नहीं बल्कि पूरे 10 दिनों तक नवरात्रि रहेगी। यानी कि 6 जुलाई से लेकर नवरात्रि का समापन 15 जुलाई तक होगा। इस बार नवरात्रि में चतुर्थी तिथि में बढ़ोतरी हुई है, और इस वजह से नवरात्रि का एक दिन भी बढ़ चुका है। आपको बता दें, गुप्त नवरात्रि में माता रानी की सवारी पहले से ही निश्चित होती है, और इस बार माँ दुर्गा गुप्त नवरात्रि पर घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी लोक में विचरण के लिए आएगी और अपने भक्तों की सभी बड़े परेशानियों का समाधान भी करेगी। साल 2024 में गुप्त नवरात्रि पर कई ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं, जिससे नवरात्रि का जो महत्व है वो कई गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं गुप्त नवरात्रि के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो जा जी की खू खे खो गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 6 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक समय काफी अच्छा और सौभाग्यशाली रहने वाला है। माता रानी के आशीर्वाद से लंबे समय से जो भी आपके रुके हुए या अटके हुए कार्य थे वो फिर से बनने लगेंगे। आर्थिक रूप से धन का लाभ तो होगा ही, साथ ही धन की बचत होगी। गुप्त नवरात्रि में ही भगवान बुध देव आपकी राशि के छठे भाव में उदय होंगे। ऐसे में अगर कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई भी वाद विवाद चल रहा है, मुकदमा आपके ऊपर चल रहा है ना, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आप अपने शत्रुओं पर विजय हासिल कर पाएंगे। मकर राशि के नवे भाव के स्वामी भी भगवान बुध देवी है। ऐसे में नवरात्रि पर माता रानी के आशीर्वाद और बुध देव की कृपा से आप लोगों को अपनी किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। आप देश और विदेश की यात्राओं पर जा सकेंगे। जो भी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सरकारी नौकरी के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं ना, तो आप लोगों के लिए यह जो गुप्त नवरात्रि का समय है, यह काफी अच्छा और राहत भरा रहेगा। बड़े अधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा और संतान की तरफ से भी शुभ समाचार मिलने वाला है। आर्थिक रूप से धन का लाभ होगा। मकर राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि गुप्त नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा की पूजा करके उनको काजल अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शनिदेव, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, और माँ दुर्गा दोनों की ही आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा प्राप्त होगी। चलिए जान लेते हैं गुप्त नवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सु से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। मित्रों, कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार गुप्त नवरात्रि का जो समय है, यह काफी अच्छा और कमाल का रहने वाला है। एक तो आपके परिवार जन और भाई बहनों के साथ आपके संबंध उत्तम रहेंगे, उसके अलावा संतान से भी सहयोग प्राप्त होगा। माता रानी के आशीर्वाद से कुंभ राशि वाले लोगों को अचानक से धन प्राप्ति होने वाली है, जिससे आपको धन का लाभ तो होगा ही, साथ ही आप काफी अच्छी धन की बचत कर पाएंगे। स्थायी संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। स्वयं का मकान, वाहन, ये सभी चीजें आप खरीद पाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि माता रानी का जुड़ा काम का अपडेट जो है वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच पाए। गुप्त नवरात्रि के बाद से ही कुंभ राशि वाले लोगों के लिए समय किसी भी वरदान से कम नहीं होगा। माता दुर्गा देवी की
आप लोगों पर विशेष रूप से कृपा होगी। आप अपनी बुद्धिमता के दम पर बड़ी समस्या का हल निकाल पाएंगे। लाभ होने के बेहतरीन मौके तो आपको मिलेंगे ही, साथ ही व्यापार में भी तेजी आएगी। आप अपने रिश्तों को पहले की तुलना में काफी अच्छा और बेहतर बना पाएंगे। कुल मिलाकर गुप्त नवरात्रि के बाद यानी कि 15 जुलाई से ही आप जो कोई भी कार्य करेंगे ना, उसमें आपको सफलता जरूर होगी। नौकरी और व्यापार दोनों का ही योग आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और फेवर में रहने वाला है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि गुप्त नवरात्रि के दौरान 6 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक प्रतिदिन संध्या काल के समय कुंभ राशि वाले लोग माता दुर्गा की तस्वीर के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। इससे माता दुर्गा की आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा प्राप्त हो। चलिए जान लेते हैं गुप्त नवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किस में आपको ज्यादा तरक्की ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं गुप्त नवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी दू थ जय दे दो चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए भी गुप्त नवरात्रि और माता रानी के आशीर्वाद से समय काफी अच्छा और अनुकूल रहने वाला है। एक तो भगवान बुध देव आपकी राशि के 11वें भाव में उदय हो चुके हैं, ऐसे में आप लोगों की इनकम में जबरदस्त रूप से बढ़ोतरी होगी। इनकम के यानी कि धन कमाने के नए नए सोर्सेज नए नए माध्यम आपको मिलेंगे। आप जो कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं उसके लिए भी समय काफी अच्छा और शानदार रहेगा। पुराना अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे लाभ ही लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट सट्टा लॉटरी आदि में आपको धन प्राप्त होने के साथ ही माता रानी का भी विशेष रूप से आशीर्वाद मिलेगा। गुप्त नवरात्रि से आप लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। घर में सुख शांति की नई चीजें आपकी, महंगी चीजों की आप खरीदारी कर पाएंगे और माता रानी के आशीर्वाद से आपका स्वास्थ्य भी पहले की तुलना में ठीक होगा। संतान की तरफ से बड़ा सहयोग प्राप्त होगा। संतान को अगर कोई भी परेशानी आ रही थी तो वो भी धीरे धीरे दूर होगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि गुप्त नवरात्रि पर मीन राशि वाले लोग माता रानी को फल अर्पित करें और उसके बाद इन फल का कोई भी जो कुंवारी कन्या है जिसकी उम्र 9 साल या उससे कम है ना, उसे वह फल आप उपहार स्वरूप दान कर दीजिए। ऐसा करने से माता रानी के साथ साथ भगवान शनिदेव भी आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न रहेंगे। चलिए जान लेते हैं गुप्त नवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर चू चे चो ला ली लू ले लो और ऐसे शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष
राशि वाले लोगों के लिए भी गुप्त नवरात्रि पर माता रानी के आशीर्वाद से समय काफी अच्छा और पॉजिटिव रहने वाला है। एक तो इस दौरान आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा और साथ ही धन प्राप्ति के नए नए स्रोत नए नए माध्यम बनेंगे। लंबे समय से जो भी रुका हुआ या अटका हुआ धन है वो आपको वापस से मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भी उन्नति होने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। अच्छे कार्य का पॉजिटिव परिणाम मिलेगा और जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं या जॉब वगैरह करते हैं ना, तो उनके प्रमोशन होने के योग भी बन रहे हैं। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से व्यापार के क्षेत्र में भी आप लोगों को मुनाफा मिलेगा। जो भी व्यक्ति पार्टनरशिप में कामकाज करते हैं, अगर आप और अपने पार्टनर के बीच कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो उसका भी निपटारा होगा, समझौता बनेगा और व्यापार में आप नई पूंजी के साथ ही बढ़ोतरी के योग बना पाएंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पुराना अगर कहीं पर भी रुका हुआ या फंसा हुआ धन है या आपका कोई भी पेंडिंग बिल अटका हुआ है, किसी पार्टी ने आपका पैसा रोक रखा है ना, तो वो भी आपको वापस से मिलने वाला है। आप अपनी नेतृत्व क्षमता में बढ़ोतरी कर पाएंगे और व्यापार आदि क्षेत्र में भी आप लोगों को लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। मेष राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि नवरात्रि में रविवार के दिन माता भगवती को उड़द की दाल अर्पित करें और उसके बाद उस दाल का आप गरीब लोगों में दान कर दीजिए। ऐसा करने से एक तो कुंडली में शनिदेव उच्च भाव में रहेंगे और साथ ही माता रानी की भी विशेष रूप से कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय।